गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ सुनील सर। आज हम स्टैंडर्ड 8 का लेसन 7 सुभाषितानी, उसका पार्ट 1 देखेंगे। सुभाषितास आर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ संस्कृत लिटरेचर। दे गिव अस नॉलेज अबाउट एथिकल एथिक्स एंड करेक्ट बिहेवियर। सच नॉलेज इज वेरी यूजफुल टू एवरी पर्सन इन लाइफ। दे गाइड्स अस थ्रू द इन्यूमरेबल हार्डशिप डेट कम अवर वे इन लाइफ। इन द सिक्स सुभाषितास ऑफ दिस चैप्टर द फॉलोइंग थॉट्स हैव बीन एक्सप्रेस्ड। आज हम 3 सुभाषित यहां देखने वाले हैं, उसमें क्या बताया वो देखते हैं। तो फर्स्ट में द नॉलेज डेट रिमेन्स इन बुक्स एंड द वेल्थ विच इज इन अनदर्स हैंड विल नॉट हेल्प अस इन अवर नीड। सेकेंड में बताया है इन द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ द श्लोकास द नॉमिनेटिव एक्यूसेटिव इंस्ट्रूमेंटल एंड डेटिव फॉर्म्स ऑफ द अकारान मैस्कुलिन नाउन वृक्ष हैव बीन गिवन रिस्पेक्टिवली वृक्ष वृक्षम वृक्षेण एंड वृक्षाय। इन द थर्ड एंड फोर्थ लाइन ऑफ द श्लोकास द एब्लेटिव जेनेटिव लोकेटिव एंड वॉकेटिव फॉर्म ऑफ बुक्स हैव बीन गिवन रिस्पेक्टिवली वृक्षात वृक्षस्य वृक्षे एंड हे वृक्ष। तो यहां थर्ड में बताया आगे थर्ड सुभाषित पीपल बिकम अवर फ्रेंड्स और एनिमीज डिपेंडिंग अपॉन अवर बिहेवियर। तो इन 3 सुभाषितों में वो क्या कहना चाहते हैं वो यहां बताया है। सुभाषित यानी सु प्लस भाषितम, जो अच्छे से बोला गया है ऐसा वचन उसको सुभाषित कहते हैं। सुभाषित सुंदर वचन होता है, कल्याणकारी होता है और सत्य वचन होता है, उसको हम सुभाषित कहते हैं। तो हम देखते हैं सुभाषितानि। पुस्तकेषु हि या विद्या परहस्तेषु यद्धनम् कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम्। पुस्तकेषु हि या विद्या यानी यह बताया है कि पुस्तक में जो विद्या है वो परहस्तेषु यद्धनम् और दूसरों के हाथ में रहा हुआ धन। कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम् यानी जब समय की उपस्थिति होती है तब वो विद्या और धन कुछ काम का नहीं है। पहले हम उसके यानी ग्लोसरी देखते हैं। पुस्तकेषु इन बुक्स ही रियली दिस इज एंड इंडेक्लिनेबल या विद्या डेट नॉलेज परहस्तेषु इन अदर पीपल्स हैंड्स कार्यकाले समुत्पन्न व्हेन द नीड अराइज सा डेट नॉलेज तद धनम डेट वेल्थ। तो यहां बताएं द नॉलेज विच इज इन बुक्स एंड द वेल्थ विच हैज गॉन इन टू अदर पीपल्स हैंड्स व्हेन द नीड अराइज दैट नॉलेज एंड दैट वेल्थ आर ऑफ नो यूज। तो बताया है कि विद्या यदि पुस्तकों में है तो उसका कोई मतलब नहीं रहता और दूसरों के हाथ में रहा हुआ धन फिर किसी का भी हो मगर हमारे लिए कुछ काम का नहीं होता। जब टाइम आने पर वो विद्या या धन हमारे लिए कुछ काम का नहीं है, यानी विद्या भी हमारे पास होनी चाहिए। हमारे घर में बहुत सारे यानी बुक्स हैं, किताबें हैं, मगर उसका कोई मीनिंग नहीं है और दूसरों के हाथ में रहा हुआ धन जब टाइम आता है तब कुछ काम का नहीं है, ऐसा यहां बताया। दूसरा सुभाषित है वृक्षः फलान्वितः भाति वृक्षम धुनयते कपि वृक्षेण वार्यते ताप।
जलम वृक्षाय दीयते वृक्षात पतन्ति पर्णानि वृक्षस्य प्रसरो महानः वृक्षे खगाः निकुदन्ति वृक्ष धन्योसि भूतले। यहाँ ट्री के बारे में बताया है कि जो वृक्ष है ट्रीज आर वेरी यूजफुल टू अस, हमारे लिए बहुत उपयोगी है। यहाँ वृक्ष यानी ट्री, वृक्ष फलान्वितम भाति ही, अच्छे फल वाले वृक्ष अच्छे लगते हैं। और वृक्ष पर कपी, कपी यानी मंकी, उसको हिलाते हैं वो हमें गर्मी से बचाते हैं और पानी देते हैं। जलम वृक्षाय दीयते, वो वृक्ष में पानी देते हैं। वृक्ष के जो लीफ है पत्ते वो भी गिरते हैं और वृक्ष ज्यादा उसका प्रसार होता है, ज्यादा से ज्यादा बढ़ते रहते हैं। जो बर्ड्स हैं खगा यानी बर्ड्स, वो कुंदरव करते हैं यानी पेड़ पर बैठे बैठे अपने गाने गाते हैं बर्ड्स, और इस जमीन पर इस पृथ्वी पर वो कल्याणकारी वृक्ष है, वो हमारे बेस्ट फ्रेंड है और कल्याणकारी। न कच्चित कश्यचित मित्रम, आगे बताया है वो। तो यहाँ वृक्ष के बारे में हम देखते हैं, फलान्वित लेडन विथ फ्रूट भाति लुक नाइस वृक्षम अ ट्री धुनयते यानी सेक्स, प्रेजेंट टेंस है यहाँ, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। यहाँ वृक्षेण होता है तो बाय ट्री, वार्यते इज प्रिवेंटेड पाप यानी हिट, वृक्षाय टू अ ट्री दीयते इज गिवन, इसका ट्रांसलेशन हम देखते हैं। द ट्री लेडन विथ फ्रूट लुक्स नाइस, फल वाले वृक्ष सुंदर लगते हैं। मंकी सेक्स ट्रीज, जो वानर है मंकी है वो उसको हिलाते हैं। हीट इज प्रिवेंटेड बाय ट्रीज, गर्मी से हमारी रक्षा करते हैं। जो ट्री है वृक्ष है वो गर्मी से हमारी रक्षा करते हैं। वाटर इज गिवन टू ट्रीज, और हमें क्या देते हैं वो, वाटर यानी पानी देते हैं, वृक्ष हमें पानी देते हैं। वृक्षात यानी फ्रॉम द ट्री पर्णानी लीव्स पतंती फॉल, पतंती यहां वर्तमान का परस्मै पद, अन्य पुरुष बहुवचन है, पतंती यानी फॉल। वृक्षस्य ऑफ द ट्री निकुजंती खगाहा, निकुजंती खगा यानी बर्ड्स, निकुजंती यानी चीर। हे वृक्ष ओ ट्री भूतले ऑन द ग्राउंड ऑन द अर्थ धन्यसी, यू आर ब्लेज्ड यू आर फॉर्चुनेट। यहां वृक्षों को महिमा अपरंपार है वो बताया है। देखते आगे, लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री इज स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, बर्ड्स चर्प ऑन ट्रीज। जो वृक्ष पर जो पक्षी हैं वो अच्छे कुंदरव करते हैं, गाते हैं। ओ ट्री यू आर ब्लेज्ड ऑन दिस अर्थ, ए वृक्ष तू महान है, इस धरती पर तू महान है, ऐसा यहां बताया गया है। आगे थर्ड वाला हम देखते हैं, न कच्चित कश्यचित मित्रम, न कच्चित कश्यचित रिपुः व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। न कच्चित कश्यचित मित्र, कोई किसी का मित्र नहीं है। न कच्चित कश्यचित रिपु, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। एनिमी रिपु यानी एनिमी, मित्र यानी फ्रेंड। व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा, यहां मित्र और शत्रु अपने व्यवहार से बनते हैं, अपने बिहेव से बनते हैं, ऐसा यहां इस सुभाषित में कहा गया है। नो बड़ी यानी कच्चित सम कश्यचित स
Someone's mitram nasti is not a friend. Ripuhu, an enemy. Vyavarena, by good, bad behavior. Conduct, mitrani, friends, tatha, as well. As ripavaha, enemies, jayante, are made. Present tense, third person, plural of jan. इसका ट्रांसलेशन देखते हैं. Nobody is anybody's friend. कोई किसी का मित्र नहीं है. Nobody is anybody's enemy. कोई किसी का दुश्मन नहीं है. Friends as well as enemies are made due to behavior or conduct. यानी मित्र और शत्रु हमारे व्यवहार से बनते हैं. ऐसा यहां थर्ड सुभाषित में यहां कहा गया है. तो दोस्तों, यहां पार्ट वन में हमने तीन सुभाषित लिए. आपको अच्छे से इसकी ग्लोसरी लिखनी है और ट्रांसलेशन अच्छे से लिखना है. शुभम भवतु, ऑल द बेस्ट.